नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज आप सबके समक्ष माननीय श्री छोटा चेतन जी, इनके विवादास्पद बदली व तदुपरांत उनकी फेयरवेल पार्टी के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विवादास्पद बदली में कई तरह की अफवाहें मार्केट में गर्म रही कि वो चार्ज छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार सरकार ने उनको वहाँ से हटाया और सरकार ने उनको खदेड़ कर ही दम लिया। तदुपरांत उनके विदाई के उपलक्ष्य में एक फेयरवेल पार्टी थी, जिस फेयरवेल पार्टी में माननीय छोटा चेतन जी ने अपने आक्रोश को रामधारी दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया। वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी पहली पंक्ति का जो मैंने कुछ हिंदी के साहित्यकारों से इस बारे में जब पूरा चर्चा किया तो उन्होंने बताया, पहली पंक्ति का अर्थ यह होता है कि समर शेष है यानी अभी भी युद्ध बाकी है, युद्ध खत्म नहीं हो गया है, परंतु सिर्फ शिकार के लिए उस शिकारी को ही पाप का भागी मत बनाइए। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया शिकार हुआ है और उस शिकार के पाप का भागी सिर्फ शिकारी को यानी छोटा चेतन को बनाया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने कबूल किया कि पाप शिकार हुआ है और पाप हुआ है, लेकिन उनमें सिर्फ वही पाप के भागी नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसमें पाप के भागी हैं। यहाँ पे उन्होंने जो शिकार खुद किया और पाप के भागी अपना तो एक्सेप्टेंस दिया है, और जो अन्य हैं उनके बारे में कुछ न बताते हुए उन्होंने उसको प्रिजम्पशन बताया है। इसलिए अच्छा ये होगा कि उनके नाम इन्होंने स्पष्ट करना। दूसरी पंक्ति का अर्थ होता है जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय यानी भगवान, ऊपर वाला, एक समय आएगा ऊपर वाला उन अपराधियों पापियों के बारे में भी उनका भी अपराध लोगों के समक्ष लाएगा। यानी आज छोटा चेतन सिर्फ भगवान के भरोसे बैठ गए, इतने आसक्त हो गए, इतने कमजोर हो गए कि सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं। भाई आपको मालूम है, आप बताइए न्याय कराए। ये तो वही हुआ कि आसक्तम साधु भव कुरूपाय पतिव्रता। जब कोई व्यक्ति एकदम आसक्त हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, तो साधु बनकर साधु का ढोंग लेकर साधुवाद करते रहता है। तो इससे लग रहा है कि कहीं तो भी वो आसक्त हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कुछ डिप्रेशन में आ गए हैं और वो भगवान भरोसे भगवान के नाम की माला जप रहे हैं। मिस्टर छोटा चेतन जी, ये कोई बुरा वक्त नहीं है, आप इतना डिप्रेस ना होइए, हम सब आपके साथ में हैं। हमारा कहना यही है कि ये एक ऐसा समय है कि आप अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं, प्लस आपके जो इस पाप में भागीदार लोग हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं कि आज वो आपके कितने साथ हैं। कहीं ये सारा पूरी तरह से सरकार की तरफ तो नहीं, क्योंकि बदली आपकी सरकार ने की है, चाहे ये सरकार हो पिछली सरकार हो किसके तरफ है, या फिर उन 12 लोगों की तरफ तो नहीं जो कि पहले आपके साथ में थे, जहाँ भी आप जाते थे आपके पास बदली लेके चले आते थे, और आज आपकी इस तरह की बदली होने की वजह से वो आपका साथ देना नहीं चाह रहे, आपके साथ नहीं रहना चाह रहे। खैर कुछ भी हो, इसका आप परीक्षण करें और आत्म परीक्षण भी करें। भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, साधुवाद अच्छा है, आप भगवान का ध्यान करें, जप करें, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।